नमस्कार, आप देख रहे हैं चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। 7 करोड़ की लागत से बनने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का परिवहन मंत्री शीला मंडल ने किया शिलान्यास। प्रखंड के बेलहा में 7 करोड़ की लागत से बन रहे 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भवन निर्माण कार्य का परिवहन मंत्री सह स्थानीय विधायक शीला मंडल ने विधिवत रूप से शिलान्यास किया। बिहार चिकित्सा सेवा एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड द्वारा 7 करोड़ की लागत से 30 बेड वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के शिलान्यास के बाद समारोह का आयोजन किया गया। घोघाडीहा प्रखंड जदयू अध्यक्ष संजय मंडल की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में सभी आगत अतिथियों का स्वागत पाग दुपट्टा से किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए परिवहन मंत्री शीला मंडल ने कहा कि अस्पताल का निर्माण हो जाने से क्षेत्र के लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और कहा कि सीएम नीतीश कुमार के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार सूबे के चहुमुखी विकास को कृत संकल्पित है। मौके पर सिविल सर्जन ऋषिकांत पांडे, ACMO आरके सिंह, CS कार्यालय के प्रधान लिपिक हरेंद्र कुमार, DSLR मुकेश कुमार, CO पूनम मिश्रा, थाना अध्यक्ष सर्वेश कुमार झा के अलावा मंत्री के निजी सहायक धर्मेंद्र कुमार मंडल, प्रखंड अध्यक्ष संजय मंडल, मुखिया दीपक सिंह वैद, रामकुमार मंडल, रामचंद्र सिंह, मंगनू सिंह, उपेंद्र नारायण कामत, PHC घोघाडीहा के हेल्थ मैनेजर पंकज कुमार, यूनिसेफ के BMC जय कुमार, राजदेव रमन विश्वनाथ कामत, विद्यानंद भारती, भोला राय कैलू मंडल, सरपंच विद्यानंद सिंह, घोघाडीहा नप के मुख्य पार्षद अनिल कुमार मंडल, विकास मिश्र पूर्व सरपंच काशीनाथ चौधरी, दीपक मंडल, परशुराम कामत, रामचंद्र मंडल, परशुराम मंडल, बलराम मंडल, कुशेश्वर मंडल, दयाराम मंडल, संजीव ठाकुर, जयप्रकाश झा, भोला सिंह, शत्रुघ्न यादव, सुनील मंडल, कौशलेंद्र पासवान, रमन जी पासवान सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। फुलपरास से जयलेंद्र यादव की रिपोर्ट। खबरों में अपने के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए चौथा स्तंभ डिजिटल न्यूज। मधुबनी जिले सहित आसपास की खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम आप तक हर छोटी बड़ी खबरों को पहुंचाते रहेंगे। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। Facebook पर चौथा स्तंभ डिजिटल पेज को फॉलो करें। खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए हमारे न्यूज वेबसाइट www.4thastambhdigital.com पर जाएं।